चींटियों को करीब से आपने भी देखा होगा और इस नन्ही सी जीव की कड़ी मेहनत से भी आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाए होंगे, क्योंकि चींटी एक ऐसा जीव है जो हमेशा व्यस्त ही दिखाई देती है। कई बार तो बहुत सारी चींटियां लाइन में चलती हुई भी नजर आती हैं। ऐसे में इस दिलचस्प प्राणी के बारे में जानकारी लेना आपको भी रोचक लग सकता है। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं? भले ही हम केवल लाल और काली चींटियों के बारे में ही जानते हो, लेकिन दुनिया भर में चींटियों की करीब 12,000 प्रजातियां मौजूद हैं। छोटी सी दिखने वाली चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन भी उठा सकती है। चींटियों के कान नहीं होते, वो जमीन के वाइब्रेशन से ही शोर का अनुभव करती है। चींटियां सामाजिक प्राणी होती हैं जो कॉलोनी में रहती हैं। इस कॉलोनी में क्वीन मेल चींटी और बहुत सारी फीमेल वर्कर चींटी होती हैं। रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है। रानी और मेल चींटी जो होती है उनके पंख होते हैं, जबकि वर्कर चींटियों के पंख नहीं होते हैं। रानी चींटी 30 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहती है। रानी चींटी के मरने के बाद चींटियों की कॉलोनी के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो केवल कुछ महीने तक ही जीवित रह पाती हैं। चींटी के शरीर में फेफड़े नहीं होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए चींटी के शरीर में छोटे छोटे होल्स होते हैं। चींटियां लाइन में चलती हैं क्योंकि इनके लीडर द्वारा फेरोमोन नाम का एक रसायन छोड़ा जाता है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां उसके पीछे चलती जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।